एक ऐसा अछूता विषय मैं स्रोतियां दे सामने रख रहे हैं, जिस ते घट लिखे आ गया है, घट बोले आ गया है, घट समझे आ गया है और घट ही समझाया गया है। ये है स्त्री औरत। किसे हद तक पुरुष दी दुनिया एक एक वस्तु ही रही है, जिस तरह वस्तुओं दे बकायदा बाजार ने, क्लॉथ मार्केट, फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, लकड़ मंडी, लोहा मंडी, हूबहू सारी दुनिया विच बकायदा स्त्रियां दे बाजार रहे ने और अज भी है गए ने। जिथे स्त्री बिकदी है उदी असमत बिकदी है, पुरुष खरीदता है। इस दी निगाह दे करीबन करीबन स्त्री वस्तु ही रही है। समय दी तब्दीली नाल भावें कुछ सत्कार आदर सम्मान वधे आवे, लेकिन फिर भी चलो स्त्रियां दे बाजार अज सारे मुल्कां च ना होवन, पर वस्तुआं नूं स्त्री नूं ही अग्गे करके वेचिया जांदा है। किसे हद तक मुगलता हुंदा है, वस्तु वेची जा रही है या स्त्री। कपड़ा है, कार है, मोटरसाइकिल है, गर्ज के कुछ भी वस्तु जो वर्तन दिया ने उन्हां नूं वेचना है स्त्री नूं अग्गे करके, उसका चित्र अग्गे करके, उसे दा ही बुत अग्गे करके। क्या इस सारियां वस्तुआं केवल स्त्री इस्तेमाल कर दी है? पर नहीं, आकर्षण है पुरुष दे मन ते स्त्री दा, तो स्त्री नू अग्गे करके वस्तु दे प्रति आकर्षण पैदा करो, ताकि खरीदार इस औरत दे राही, इस स्त्री दे राही वस्तु खरीद सके। ऐसा भी दौर लंघे है, पैर दी जुत्ती स्त्री नू आख्या गया, जैसे मनुख समय अनुसार जुत्ती बदलदा रहा है। बदलो इस और ऐसा निजाम काफी लंबे समय तक प्रचलित रहा है। स्त्री हमेशा मनुख दे हथों पुरुष दे हथों पीड़ित रही है, संताप ग्रस्त रही है। दूर क्यों जाओ? जद रावण भी कैद दे चों सीता नू रिहा करके लेंदा गया, लंका नू फतेह करके मसला खड़ा हो गया सीता दी अग्न परीक्षा का। ऐसा भारत दे प्राचीन समय तो एक ख्याल चले आ रहा है कि अग्न ही शोध कर सकती है, अग्न ही हर वस्तु नू पवित्र कर सकती है। जैसे सोने नू अग दे पा के शुद्ध कीता जाता है, धातुआं सारियां ही अग्न द्वारा शुद्ध कीतियां जांदियां हैं। और कुछ पुराने वहमी मनुख ते भांडियां दे भी जितने चिर तक अग ना पा लैन उसकी शुद्धि नहीं मनते, पवित्रता नहीं मनते। अग्न ही शुद्ध करेगी। लिहाजा हालात इत्थे तक चले गए, मनुख शुद्ध है विचारां दे तल ते, मानसिक तल ते, शरीरक तल ते, ए शुद्ध है, ए पावन है। इसकी परीक्षा भी अग्नि ही करेगी। तो कहने सीता दी अग्न परीक्षा हुई। वक्त दा अवतारी पुरुष अग्न परीक्षा विच सीता नू पाउंदा है। लेकिन इस तरह दी अग्न परीक्षा कदी पुरुष ने नहीं दी। क्या वह भी मानसिक तल ते पावन है? क्या वह भी शरीरक तल ते पवित्र है? इसकी लोड़ ही नहीं। क्यों?
कि हमेशा पुरुष प्रधान समाज रहे है, स्त्री अनंत काल तो गुलाम रही, मोहताज रही, पीड़ित रही, सताई जाती रही। तो सीता ने इस तरह इतिहास या मिथिहास कहता है कि अग्न परीक्षा देनी पड़ी। बल्दी हुई चिता थे सीता नु बिठाया गया और जिस दिन अग दे सीता नु झोंकया गया, आज तक भारत देश स्त्री जिंदा जलाई जा रही है और ये सिलसिला अजे तक भी जारी है। भाने अनेका हो सकते ने स्त्री नु जलाण दे, लेकिन जलाना चले आ रहे है। हैरानगी है किधरे दहेज दे नाते, किधरे पवित्रता दे नाते और किधरे पुरुष दे गुस्से दा क्रोध दा शिकार हुई स्त्री जिंदा जलाई जांदी रही है और जलाई जा रही है। ये ठीक है, सारी दुनिया विच आवाजां उठियां ने और स्त्री ने भी आवाज उठाई है पुरुष दी बराबरी दी। अधिकारां दी बराबरी मनी जा सकती है। ईश्वर दा चिंतन ते आनंद पाण दा अधिकार जिथे पुरुष दा है स्त्री दा भी है। मान सम्मान जिथे पुरुष नू चाहिदा है स्त्री नू भी चाहिदा है। लेकिन बराबरी तो मुराद किधरे ये ना समझ ले जावे कि हर तल ते बराबरी। हर तल ते बराबरी तां परमात्मा ने ही नहीं की थी। स्त्री ते पुरुष दा तन अलग बनाया है, वख वख बनाया है और जिथे तन दा ढांचा प्रभु ने अलग बनाया है, मन दा ढांचा भी प्रभु ने अलग बनाया है। दो विपरीत रंगा नाल तस्वीर बड़ी सोहनी बनती है, अच्छी बनती है। विरोधी सुरां ते ही संगीत दी धुन खड़ी है। कदी बगौर मुताला करिए, काला रंग चिट्टे जैसा नहीं है, चिट्टा पीले जैसा नहीं है, पीला लाल जैसा नहीं है, लाल हरे जैसा नहीं है, पर इना विरुद्ध ही रंगां दे सुमेल नाल ही कोई सुंदर तस्वीर बनती है। हूबहू विरोधी सुरां ते ही खड़ा है संगीत, किसे एक सुर ते किसे संगीत दी धुन नूं जन्म नहीं दिता जा सकता। विरोधी जो है सुरां चाहीदियां ने। संसार संगीतमई होवे, संस्कार संसार सुंदर होवे, तो ये दो विरोधी सुर ने जिस ते इंज कह लईए तीबर सुर है पुरुष, कोमल सुर है स्त्री। संगीत दा बोध रखण वाले इस गल नूं समझदे ने, कुछ सुरां कोमल ने, कुछ सुरां तीबर ने और इस तरह सुंदर। संगीत दा जन्म होंदा है तीबर ते कोमल सुरां नाल। स्त्री कोमल है तदी ता एक आलम ने कह दिता है जहूरे जन से पुर रौनक कायनात। कायनात दे दुनिया दे संसार दे अगर कुछ रौनक है, कुछ रस है तो स्त्री करके। पुरुष इस रस नु विस्तार देंदा है, स्त्री एक रस है। रस फैल सके पुरुष चाहिदा है। इना दोहां दी अपनी अपनी लोड़ है। जैसे मलाह नु एक पासे कर दईए तो बेड़ी भी बेमैनी हो जाती है, वैद नु एक पासे कर दईए तो जड़ी बूटियां दी खूबी भी प्रगट नहीं हो सकेगी, पवन नु एक पासे कर दईए तो फुल्लां दी महक भी दूर दराज तक नहीं जा सकेगी। इसी तरीके दे नाल दोहां नु अलग अलग कर दईए स्त्री ते पुरुष नु, दोवें बेरैमक हो जाणगे और दोवें बेमैने हो जाणगे, लेकिन दोहां दा सुमेल
कारज दी सिद्धि है, जैसे मला ते बेड़ी दा मेल, जैसे पवन ते फुल्लां दा मेल, जैसे वैद ते जड़ी बूटियां दा सुमेल, जैसे बीज ते धरती दा मेल, जैसे पानी ते साबण दा मेल कपड़े नू साफ करदा है, इसी तरीके नाल स्त्री ते पुरुष दा सुमेल ही संसार दी रौनक है और जीवन सुखमई है। बराबरी हकूक दे तल ते हो सकती है और है। जे रब्बी रस माणन दा पुरुष नू अधिकार है, स्त्री नू भी उतना अधिकार है। लेकिन तन ते मन दी बराबरी परमात्मा ने नहीं की। इस वास्ते कम कारज कुछ वंडे हुए ने। घर संवरदा है, सथिर रहिंदा है, महान आउंदा है स्त्री करके। पर घर विच बाहरों सुख आंदा रहे, संपदा आंदी रहे, तो भजन दौड़न लई पुरुष चाहिदा है। पुरुष का शरीर प्रभु ने ऐसा बनाया है, स्त्री नालों ज्यादा सख्त है और ज्यादा भारी भरकम कम कर सकता है। यही कारण है कि पुरुष पहलवान नाल स्त्री पहलवान मुकाबला नहीं कर सकते। जिथे उसका मन कोमल है, शरीर भी कोमल है और इस कोमलता की लोड़ है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार विच कुछ कोमलता बच जाए। अगर पुरुष कोल भी कुछ कोमलता है तो यह स्त्री का गुण है और स्त्री करके। थोड़ी बहुत तर्क जो स्त्री के तल से भी मिलती है तो पुरुष करके मिलती है, वो थोड़ी बहुत ते चाहिए है ताकि उसकी कोमलता की रक्षा होवे। कुदरत का एक नियम है कि फुलना की रक्षा कंडे ही करते हैं, फुल अपनी रक्षा नहीं कर सकता। सोने की रक्षा लोहे नाल आउंदी है, कोमलता की रक्षा सख्ती नाल आउंदी है। इसनों प्राचीन विद्वान ते इंज भी कहते रहे ने, स्त्री नूं हर समय पुरुष की सख्ती की लोड़ है, रक्षा लई सुरक्षा लई। प्रथम पिता दी, पति दी, फिर पुत्र दी, ताई जो है कि सुरक्षित रह सकती है, अपनी इज्जत आबरू नो बचा के जो है रख सकती है। व्यास जी ते कहा करदे ने उन्हां दे बोल कि स्त्री प्रकृति दी बेटी है, इससे इंसाफ चाहिदा है और प्यार चाहिदा है, सत्कार चाहिदा है। सिख साधी साहब कहिंदे ने जिस घर दे चों स्त्री दे चीखण चिलाण की आवाज बाहर आउंदी है, उस घर दे चों सुख ते संपदा मान लो बाहर जा रही है। वाकई उस घर दियां खुशियां, उस घर दी शांति, उस घर दा सुकून बाहर चला जाता है जिथे स्त्री का रुदन घर की चार दीवारी से बाहर चला जाए। कवि तुलसी ने स्त्री दे कुछ वक् वक् रूप इस ढंग नाल जो है बयान किए ने। स्त्री चार रूप अपने जो है रखती है, उन्हों रामायण विच रामचित मानस विच कवि तुलसी इस तरह जो है बयान करते हैं। जग प्रतिवर्ता चार विद अही, वेद पुराण श्रुति अस्तही। इस तरह आख्या है, उत्तम के अस बस मन माही, सुपने हूं आन पुरुष जगना। उत्तम स्त्री
उसकी दृष्टि दे जगत दे उसके पति तो बिना और कोई भी पुरुष नहीं है, वही पुरुष, बाकी कोई पुरुष नहीं है। इसमें अध्यात्मिक रंगण गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ी सुंदर दिखती है। कहो नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जाने धन सती दरगे परवानी। जिसने परमात्मा दी झलक अपने पति दिश देखी, महाराज कहने धन है वो सतोन्ती, धन है वो स्त्री। कोशिश तो हो ही सी साडे देश ते कि स्त्री पुरुष नू परमेश्वर आखे, परमेश्वर दी झलक वो पुरुष देखों देखे, और पुरुष स्त्री नू देवी आखे वो प्रभु दी शक्ति दी झलक स्त्री दे जो है देखे। अगर इसक नू देवी दिखाई देवे और एक नू परमात्मा दिखाई देवे तो घर मंदिर बन जाता है, घर हरि मंदिर बन जाता है। पर एक नू भूत दिखाई देवे, एक नू डायन दिखाई देवे, घर ही नरक बन जाता है। पता नहीं पृथ्वी से कितने घर नरक बने हुए हैं, क्योंकि घर आज कोई डायन रह रही है, कोई भूत रह रहा है। एक नो डायन दिखाई दे रही है और एक नो भूत दिखाई दे रहे। जीवन का ढंग ना आया, एक दूजे नु समझन का ढंग ना आया। कवि तुलसी कहंदे ने जिथे चंगे माड़े पुरुषां दे चौंदे ने, उथे चंगे माड़े इस्त्री दे भी हुंदे ने। जैसे पृथ्वी ते सिर्फ दिन नहीं रात भी है, मनुखी तल ते सिर्फ गुण नहीं औगुण भी ने, वो औगुण पुरुष के अंदर भी ने, वो औगुण स्त्री के अंदर भी ने। उत्तम स्त्री की तस्वीर कशी करते हैं तुलसी कहते ने, उत्तम के अस बस मन माही सुपने ही आम पुरुष जगना है। मध्यम पट प्रत पर प्रत देखियत ऐसे भ्राता पिता पुत्र नित जैसे। जो उसको थले दी है उसे इस तरह समझ दिए पर पुरुष नूं के पिता है, भ्रा है, पुत्र है। उदी दृष्टि इस तरह दी होंगी। अगां चल के कवि तुलसन कहंदे ने कि बिन अवसर भय तह रह जोई, अधम सोनार जानो जग सोई। बिना अवसर मिलिया, बिना मौका मिलिया, उसने बस अपनी असमत साम के रखी है, वरना वो लुटान नो तैयार है। इस सब तो नहीं, इस सब तो निखेत है। अगर ऐसा निखिधपना स्त्री ते लागू होता है फिर पुरुषां ते भी लागू होता है। पर गुणा दे तल ते अगर देखी है तो जिथे पुरुष रब दे गुण प्राप्त कर सकता है, स्त्री प्राप्त कर सकती है। घर विच धन संपदा है, वाकई उस दे जे अद्धा अधिकार पुरुष दा है, अद्धा अधिकार स्त्री दा है। अज के कानून भी ऐसा मनन लगते है। ये गल वखरी है कि पुरुष का अहंकार बराबरी देन अजे भी तैयार नहीं, लेकिन इस हद तक ते बराबरी मनी जाएगी। शरीर अलग है, मन अलग है, जिम्मेवारियां अलग अलग ने। अगर पुरुष स्त्री की नकल करे, स्त्री वर्गा बनना चाहे, मुश्किल। और अगर स्त्री पुरुष की बराबरी करके पुरुष जैसा बनना चाहे तो उसकी सब तो बड़ी भूल हो गई, क्योंकि पुरुष जैसा जब तन नहीं है तो मन भी पुरुष जैसा नहीं। पुरुष जैसे कपड़े पाके, पुरुष जैसियां जुतियां पाके, पुरुष जैसी चाल चल के, पुरुष जैसे बोल बोल के, और पुरुष की तरह ही गंदे नशे जो है करके
स्त्री पुरुष जैसी तो नहीं हो सकेगी, पर स्त्री स्त्री जैसी भी नहीं रहेगी। हाँ, इन बारों भी समझिया समझाया जा सकता है। अगर चमेली गुलाब जैसा होने की कोशिश करे तो गुलाब ते नहीं हो सकेगी, पर चमेली चमेली भी होन तो शायद रह जाए। जिथे जिथे स्त्रियां ने बैरूनी तल ते पुरुष की बराबरी करनी चाहिए, पुरुष की तरह ही काम करना है, पुरुष वालियां जिम्मेवारियां चुकनियां ने, तो होया कि घर उजड़ गए। सियाणे ते कह रहे ने पृथ्वी ते बस हुण मकान ही मकान दिखाई देंदे ने, घर ते दिखाई नहीं देंदा। घर ते ओह जो वसदा है रसदा है, तो घर वसदा है स्त्री करके। तो जब घरों स्त्री ही निकल जाए पुरुष दी तरह, तो घर घर ना रहा, वो तो सिर्फ मकान रह गए, इट्टां दी ढेरी रह गए। संतान ये बुढ़ेपे का सहारा है, असली दौलत है। जिस दिन भी स्त्री बाहर निकल गई, संतान भी टूट भज गई, बच्चियां च भी कोमलता ना पैदा हो सकी, मां का प्यार नहीं मिलिया, मां की गोद नहीं मिली, ममता हिरदे विच उन्हां दे प्रवेश नहीं की। तो होया कि जिथे मां बाप ममता तो सखणे होए, उत्थे औलाद भी सखणी होई। धन ही धन रह गया जो जड़ है, और इस तरह स्त्री ते पुरुष की मत भी जड़ होके रह गई। जितना सहारा ममता दा मारिया होया एक बच्चा मां बाप दे लई बन सकदा सी, धन उतना नहीं बन। लेकिन मनुख ने स्त्री ते पुरुष ने जितनी धन दी चिंता की थी, औलाद दी उतनी चिंता ना की थी। आन वाला भविष्य ते बच्चियां दे हाथ सी, तो मनुख दा भविष्य बिगड़दा जा रहा है, बिगड़दा जा रहा है, क्योंकि बच्चे ममता तो हीण होंदे जा रहे ने, प्यार तो हीण होंदे जा रहे ने। अहंकार घृणा नफरत सारी दुनिया विच इस नवी पनीरी दे अंदर वध रही है, जिसका कारण है स्त्री दा पुरुष दे तल ते बैरूनी रूप दे बराबरी करना, और पुरुष दा इस बराबरी नूं किसी हद तक कबूल करना और किसी हद तक विरोध करना। लेकिन इस नाल घर घर नहीं रहे, बस घर मकान बन के जो है रह गए ने। स्त्री दी अपनी महानता से, और किधरे ये अपनी महानता में समझ लवे, तो घर मंदिर बन सकता, घर हरी मंदिर बन सकता है। मिलते उजड़िया होया खोला, उजलिया होया उजड़िया होया एक खंडर, एक तो बिना और जो है कुछ भी नहीं होगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने स्त्री का पक्ष पूर्दे होया के है, जे कुछ महान मनुखां करके संसार का इतिहास रौनकीला बनया होया है, वाकई इन्हां कुछ महान हस्तियां नूं इतिहास विचों कढ दईए, सारा संसार बेरौनक हो जांदा है। पर इन्हां हस्तियां नूं जन्म देण वाली मां ही ना आउंदी, ऐसी धरती ही ना आउंदी, ते फुल किथे खिड़ने से, और संसार पुर रौनक किथे जो है बनना सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस वास्ते स्त्री नूं बराबरी दित्ती। दैवी गुणा विच भी कुछ गुण पुरुष ने, कुछ गुण स्त्री ने। ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है, दया स्त्री है, पर इसके मुकाबले थे संतोख पुरुष। इसी तरीके नाल सूरवीरता ये पुरुष है, लेकिन सहनशीलता स्त्री है। गिणते जाइए शांति स्त्री है, क्रांति पुरुष जो है मन लीए, पर क्रांति
शांति से आधारित होवे, सूरवीरता सहन शीलता से आधारित होवे और संतोख दया दे आसे ते टिके होवे, तानी खूबी है और मानसिक तल पे आनंद है। ये मानसिक तल पे इस तरह दैवी गुणा दी लोड़ है जो स्त्री ते पुरुष ने, तो बाहर भी सुख अमन ते चैन बनया रहे, इना दोहां दी लोड़ है। और जितना महान पुरुष है उतनी महान स्त्री है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरुद्वारियां दे दरवाजे दोहां लई खोल दिते, सत्संग दा आनंद दोवें माण सकदे ने, अमृत दोवें पान कर सकदे ने, और इस तल ते धार्मिक दोहां दी बराबरी और पदार्थ दे तल ते दोहां दी बराबरी किसे भी तल ते इस पछाड़ के जो है नहीं सुटिया गया, अगाह बकायदा नाल रखिया गया और हर तल ते इस दे गुणा नूं सलाहिया गया, सन्मानिया गया। कहिंदे ने जद कोई पुरुष बंदगी करदियां करदियां पूर्ण पुरख बनता है तो उस दे अंदर इस्त्री दी दया ते कोमलता प्रगट हो जांदी है, उस दे बोलां विच वी इस्त्री भाव आ जांदा है। जैसी कबीर ते गुरु नानक दे बड़े बोल इस्त्री भाव दे ने, मोरी रुण झुण लाया भैणे सावन आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया। ये बोल गुरु नानक दे। भगत कबीर कहंदे ने कियो सिंगार मिलन के ताई, हर न मिले जग जीवन गुसाई, हर मेरो फिर हों हर की बहुरिया, राम बदे मैं तनक लहोरिया। पूर्ण हो जाती है स्त्री जद उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाए, पूर्ण हो जाता है पुरुष जद उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाए, भावना पैदा हो जाए। पूर्ण हो जाती है स्त्री जद उसके अंदर भी अपनी सुरक्षा लई सूरवीरता पैदा हो जाए, और पूर्ण हो जाता है पुरुष जद उसके अंदर सहनशीलता जो है पैदा हो जाए। दोहां दी मंजिल एक है, दोहां दा मार्ग एक है, इस वास्ते दोवें हमराई ने, अगे पिछे नहीं ने, बराबर जो है चलन वाले ने, बराबर हकूक रखने वाले ने।